प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री वहीदा रहमान का आज जन्मदिन है। 3 फरवरी 1938 में हैदराबाद में जन्म हुआ। भरतनाट्यम में प्रवीण अभिभावकों से अभिनय की प्रेरणा मिली। 1956 में फिल्म सीआईडी में खलनायिका का रोल निभाया। 1957 में फिल्म प्यासा में वहीदा रहमान को अभिनेत्री का रोल मिला। फिल्म प्यासा से गुरुदत्त और वहीदा का विफल प्रेम आरंभ हुआ। कागज के फूल फिल्म की कहानी उन दोनों के जीवन पर आधारित थी। चौधरी का चांद और साहिब बीवी और गुलाम में दोनों ने साथ काम किया। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त ने कथित रूप से आत्महत्या की। करियर से मुंह ना मोड़कर वहीदा रहमान ने फिर से कमबैक किया। गाइड, प्यासा, चौधरी का चांद, कागज के फूल यादगार फिल्में रहीं। तीसरी कसम, काला बाजार, 20 साल बाद, आदमी, पत्थर के सनम, चांदनी, नमक हलाल, रंग दे बसंती आदि फिल्मों में अभिनय किया। 1967 में फिल्म गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर अवार्ड मिला। 1969 में फिल्म नील कमल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर अवार्ड मिला। 1971 में फिल्म रेशमा और शेरा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्मभूषण से वहीदा रहमान को नवाजा गया। आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं वहीदा रहमान। वहीदा रहमान दिलाती हैं भारतीय सिनेमा के स्वर्णकाल की याद। अपनी मासूमियत, खूबसूरती और बेहतरीन अभिनय से दर्शकों को बांधे रखा वहीदा रहमान ने।